अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब काकड़ है और यहाँ पे हम लोग डॉक्टर मशीन है हम लोग यूज़ करते हैं पेन रिलीफ के लिए। तो ये बड़ा अच्छा रोल अदा करता है वो उसके दौरान जो पेशेंट जो होता है ज़्यादातर क्रोनिक होता है और उनका जो मसला होता है। हमारे पास सर्वाइकल के लिए टेंस का काम ही करता है और हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे नेक में जब डाल देते हैं तो आस पास इनके अपने पेड्स होते हैं जो लगा देते हैं मसल्स पे और जो पेन होता है उनको वो फिर रिलीफ उनको दे देता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है मसाजर मशीन। ये मसाजर हम लोग यूज़ करते हैं जो ज़्यादातर हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड का जो रोल है वो हम लोग इन्फ्लेमेशन में यूज़ करते हैं। जो पेशेंट ऑन द स्पॉट आ जाता है उनका जो इशू होता है वो इनका जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें हम लोग फिर ये यूज़ करते हैं। ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरीज में जो होता है इनका रोल होता है यूज़ करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट का जो इशू होता है वो आ जाते हैं उनको मसाजर हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि इनके जो मसल्स है वो सही तरीके से खुल जाए और फिर इनको रिलीफ मिले उसे। गन मसाजर और फिजियो गन इसको कहते हैं। इसका जो रोल है वो फालिश के पेशेंट में होता है। जो स्ट्रोक पेशेंट होते हैं जो हिमरेजिक हो जाते हैं या इस्कीमिक हो जाते हैं तो फिर जब हम लोग इनको लगाते हैं जो पैरालाइज हिस्सा होता है तो वहाँ पे जब लगा देते हैं तो उनका जो डीप टिश्यू में जो मसल्स होते हैं इनका जो बड़ा रोल अदा करता है और इसके अलावा जो ब्लड सप्लाई होता है वो इनके अंदर जो है वो सप्लाई करता है। उनका जो इशू होता है वो ज़्यादातर जो हमारे पास एग्जाम्पल है कंधे का जो हम लोग शोल्डर कहते हैं उसको अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो फिर फर्स्ट स्टेज में हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास शोल्डर व्हील पड़ा हुआ है तो उससे हम लोग जो है एक्सरसाइज देते हैं ताकि यहाँ पे इनका जो शोल्डर का इशू होता है यहाँ पे तो फिर ये इसे खुल जाता है इस तरह।